हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इश्यूज इन इलेक्टोरल बॉन्ड केस। तो ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये एक्सप्लेन्ड में आया है इंडियन एक्सप्रेस के, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अ 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ एंड ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गावी, जे बी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा will begin hearing a batch of petitions challenging the constitutional validity of electoral bond scheme on Tuesday. तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। द स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन January 2, 2018 इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या है, इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच एनी वन इन द कंट्री कैन डोनेट मनी टू पोलिटिकल पार्टी एनोनिमसली। मतलब आप नाम नहीं बता सकते, आप बिना बताए उसमें पोलिटिकल पार्टीज को दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो। वॉट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये है क्या। दे वर अनाउंस बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इन हिज बजट स्पीच ऑफ February 1, 2017 एज ए इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स विच मीन्स दे आर पेबल टू बियरर ऑन डिमांड सिमिलर टू प्रोमिसरी नोट्स। इंडियन सिटीजन और एनीबडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन परचेस इलेक्टोरल बॉन्ड इन ऑर्डर टू मेक एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। मतलब बिना बताए आपको डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप ये बॉन्ड खरीदो, वो बॉन्ड जाके दे दो। द बॉन्ड विच आर अवेलेबल इन सेवरल डिनोमिनेशन फ्रॉम 1,000 रुपीज़ 1 करोड़ कैन बी परचेज फ्रॉम ऑथराइज ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू KYC कंप्लायंस अकाउंट ड्यूरिंग 10 डे विंडो इन द मंथ ऑफ जून, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो आप ये खरीद सकते हो 1,000 से लेके आपके 1 करोड़ तक के इसमें बॉन्ड्स अवेलेबल है। कहाँ से खरीद सकते हैं, SBI से। ठीक है, ये तो हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड कैन ओनली बी यूज टू डोनेट पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 विच हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोट पोल इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 29A डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एंड बॉडीज एज पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द पार्टीज मस्ट इन कैश द बॉन्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिसिपियंट टू फंड द इलेक्शन एक्सपेंस। ठीक है, इस समय 15 दिन में ही उसको निकालना है। वाई वर इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस्ड, इनको इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब, रोल क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंटर द पर्पस वॉज टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। इन हिज स्पीच अरुण जेटली सेड इवन 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू इवॉल्व अ ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज विच इज वाइटल टू द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू टू रिसीव मोस्ट ऑफ देयर फंड थ्रू एनोनिमस डोनेशन विच आर शोन इन कैश। जेटली प्रपोज द बॉन्ड टू करेक्ट दिस सिचुएशन एंड ब्रॉट द सीलिंग ऑफ एनोनिमस कैश डोनेशन डाउन टू ₹2,000 फ्रॉम ₹20,000। फोर लॉज क्या है, द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट वर अमेंडेड सो दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम कुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो इन चार को इन्होंने अमेंड किया था बस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हु चैलेंज द स्कीम एंड वाई, भाई इतना अच्छा स्कीम है, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो, क्यों चैलेंज हुआ, देखते हैं। इन 2017 टू पब्लिक सर्विस एनजीओज कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सॉट अ स्टे ऑन द स्कीम ऑन द ग्राउंड दैट इट हैड बीन ब्रॉट इलीगली एज मनी बिल। तो मनी बिल के थ्रू इलीगली लाया गया फाइनेंस बिल बाय पासिंग राज्यसभा। तो बात यह है, अब इसमें आपको मनी बिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। द पटिशनर आर्ग्यूड दैट द स्कीम वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड ओपन डोर टू अनलिमिटेड पॉलिटिकल डोनेशन इवन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज दस लेजिटिमाइजिंग इलेक्टोरल करप्शन ऑन अ मैसिव स्केल। ऑन April 12, 2019 अ 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच इन एन इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज रिसीविंग डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू सबमिट डिटेल ऑफ द बॉन्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑन March 2021 अ 3 जज बेंच हेडेड बाय देन चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े डिसमिस्ड अ प्रेयर टू स्टे द सेल ऑफ फ्रेश बॉन्ड अहेड ऑफ असेंबली पोल्स इन
West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry. The bench disagreed with the petitioner contention on the complete anonymity of bond purchase. It is not as thought. The operation under the scheme are behind iron curtain, incapable of being pierced. It is also said bonds have been issued between 2018 and 2019 without any impedance, and that it already ordered certain safeguards in its April 2019 interim order. These safeguards included requiring political party to submit full detail of the donation receiver through electoral bond to Election Commission of India in a seal cover. By April 2022, Advocate Prashant Bhushan sought an urgent hearing of the constitution challenging to the scheme that that has been pending since 2017. Then Chief Justice N.V. Ramana assured the petitioner has the that the court would take up the matter. So what will happen if to this matter now? Ab kya hoga? In October 16, on October 16, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud referred the case to a 5-judge bench in view of importance of the issue and having due regards to provision of Article 145 Clause 3 to the Constitution, which says that any case involving substantial question of law as to interpretation of this Constitution shall be heard by at least 5 judges. तो इस आर्टिकल में दिया गया, अगर उसमें लॉ का इंटरप्रिटेशन होना है तो कम से कम 5 जजेस इसको सुने. द बेंच विल टेक अप 4 पिटीशन फाइल्ड बाय एडीआर सीपीआईएम कांग्रेस लीडर जय ठाकुर एनपीआईएल बाय वन स्पादन बिस्वल. बिसाइड्स चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द पिटीशनर्स हैव आस्क्ड द कोर्ट टू डिक्लेयर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एज पब्लिक ऑफिस टू ब्रिंग देम अंडर एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन Act and compel parties to disclose their income and expenditure. What has Centre argued? Centre ka kya argument hai? On Sunday, Attorney General R. Venkataramani told Supreme Court in a written submission that there can be no general right to know anything and that the citizen right to know is subject to reasonable restriction. The scheme extended the benefits of confidentiality to the contributor and promotes the contribution to clean money. The Attorney General said it adheres to tax obligation and violates no existing rights, he said. काफी बड़ा इशू हो गया ये. अब इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब इसमें क्या है समरी, एक बार जो हम लोग देखते हैं. जस्ट अ सेकंड. देखिए, सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है. सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है ये हमने यहाँ पर देख लिया. ठीक है, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? अब देखो, ये मतलब नोट की तरह होता है. हम पार्टीज को जाते हैं एसबीआई से खरीद सकते हैं. सिंपल सी बात, मैं जाके एसबीआई से खरीद सकता हूँ. कितने का? 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का इसमें प्रोविजन है. मैं जितना जिस पार्टी को देना चाहूँगा उस पार्टी को, यहाँ पे मेरे को केवाईसी करवाना होगा और पार्टी को जाके दे दूंगा. और पार्टी अपने ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मांगेगी, पार्टी उसको वो चिपका देगी कि भाई देखो कहीं से और जगह से नहीं आया, ये मैंने दिया है, इन्होंने दिया है मतलब. अब दूसरा चीज़ देखिए, एक तो ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है. ठीक है, दूसरा हम लोग देखें ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था. ये हो गया था आपके अरुण जेटली के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, इसका इंट्रो कब हुआ था? अरुण जेटली जी ने किया था. किस लिए किया था? ट्रांसपेरेंट रखने के लिए. ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए किसको? ये जो पैसा मिलता है आपके पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको. कौन से पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती है? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी रखी थी इन्होंने. ये इसके लिए इन्होंने ये अप्लाई किया था. अप्लाई किया मतलब ले आए थे. अब 4 कंपनीज एक्ट को इसमें अमेंड किया गया. अब इसमें चैलेंज क्यों हुआ? देखिए, थर्ड चैलेंज क्यों हुआ? चैलेंज होने का रीज़न ये है, इसको जो चैलेंज कर रहा है वो बोल रहा है भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो गलत है. इसको एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है. अब आप, अगर आपको पता हो, मनी बिल जो होता है आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उस फाइल के ऊपर थप्पा लगाता है कि ये मनी बिल है.
ठीक है, वो स्पीकर लगाता है। अब वो जब फाइल जाती है आपकी राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा को पहले ही पता रहता है भाई हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हमें तो कुछ नहीं करना, बैठेंगे तब भी ठीक है, पास कर देंगे तब भी ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे तब भी ठीक है, ये पास तो होना ही है किसी भी तरीके से। तो जब इन्होंने मानो सारा का सारा, मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है, सारा का सारा मनी बिल का इशू है, आखिरी में एक इशू छोटा सा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम डाल दिया। अब आपके स्पीकर ने पढ़ा, अब स्पीकर ने पढ़ा, इनको तो सारा सही लगा। अब सारा क्या सही लगा, अब एक पावर के लिए पूरा मनी बिल, ये थोड़ी बजट थोड़ी वो कर देंगे, तो इन्होंने इसको पास कर दिया। जब पास कर दिया तो राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने पढ़ा तो उनको ऊपर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मनी बिल है, वो अब गवर्नमेंट का रूल ही ऐसा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। पर अब उसको उनको इस इशू पे, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले इशू पे प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये तो मनी बिल का इशू नहीं है, ये क्यों यहाँ पर डला हुआ है। तब यही चीज़ कि भाई ये तो हमारे साथ डिस्कस होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, ये बात हुआ है। अब देखिए पहले तीन जजेस के दो तीन बार यहाँ पे केसेस बैठ चुके हैं, बेंचेस बैठ चुके हैं, पर अभी क्या हुआ है, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, आप देखिए बैठाया है आपके कितने 5 जजेस को। क्यों? इस आर्टिकल में, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में दिया है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लॉ को लेकर है तो उसमें आपको कम से कम 5 जजेस आपके बैठने चाहिए। तो आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें वो ये भी बोला गया है पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या करो, पब्लिक ऑफिस बना दो, पिटिशनर बोला है। क्यों? ताकि हम उसको राइट टू इंफॉर्मेशन से पूछे कहाँ से पैसा आ रहा है। इनकी बात भी सही है, पर अब यहाँ पे सेंटर का क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है, आप देखिए सेंटर ने साफ बोला है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक आपका, उसके भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं हमें बताना होगा उसके साइड से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखो हम लोग क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग अभी बैठ कर सोच रहे हैं, हमें लग रहा है अरे क्यों नहीं, क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है, पता होना चाहिए, पर वो गवर्नमेंट है, उसके अपने अलग बहुत चैलेंजेस है, वो जो सोच रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए ही सोच रही है। और आप देखो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर में ही रह के सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है सोच रही है। ठीक है आपका हक है, आप मांग रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, बिल्कुल आपको जो सही लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट देखिए जो करता है वो सही हम लोग मानेंगे, चाहे वो हमारे हक में हो चाहे वो गवर्नमेंट के हक में हो, हमें सुप्रीम कोर्ट की बस माननी है। तो ये ऑर्डर बस इतना ही था। तो थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।